काली बहू का जादुई पति। जतन अपने कमरे में सुकून भरी नींद सो रहा होता है, तभी उसकी बहन श्रुति उसे जगाते हुए बोलती है, भैया भैया उठो, अगर माँ ने आपको अब तक सोते हुए देख लिया ना तो आपकी बैंड बजा देंगी। अरे मेरी माँ उठ गया। फिर फटाफट से नीचे आ जाओ। जतन जल्दी से नहा धोकर नीचे चला आता है, जहाँ उसकी माँ शारदा हाथों में पूजा की थाली लिए खड़ी होती है। अरे निखट्टू अपनी माँ को निहारता ही रहेगा या मुझे मंदिर ले चलेगा? ओहो माँ, अब तो आपका बेटा बड़ा हो गया है, अब तो मेरी खिंचाई करना छोड़ दो। जतन अपनी माँ को लेकर मंदिर चला जाता है, तभी एक दुपट्टा उसे छू कर गुजरता है। अरे आज के जमाने में इतनी सादगी, लंबे बाल, आखिर है कौन ये लड़की? जतन जल्दी से उस लड़की का पीछा करने लगता है, और जैसे ही वह उसके चेहरे को देखता है तो अपना दिल हार बैठता है। हालांकि वह लड़की एक काले रंग की भद्दी सी दिखने वाली लड़की थी। जतन एक झटके में बोलता है, आई लव यू। जतन का इजहार सुनकर मेघा हक्की बक्की रह जाती है और उसकी आंखों में आंसू ठहर जाते हैं। वह अपनी भीगी पलके पोंछते हुए वहां से भाग निकलती है, मगर मेघा जतिन के मन में घर कर जाती है, जिसका कारण था जतिन का सुलझा स्वभाव। अब वह हर दिन मेघा को देखने के लिए मंदिर आता। अरे जरा ठहरो तुम, आखिरकार मुझसे कतरा कर भागती क्यों हो? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं? मेरा मजाक बनाना बंद कीजिए। माना कि मैं काली हूँ, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे दिल से खेले। गलतफहमी का शिकार होने के कारण मेघा फूट फूट कर रोने लगती है, तभी जतन उसके आंसू पोंछता है। तुम मुझे गलत समझ रही हो, मेरी नजर से देखो तुम सबसे सुंदर हो। कृष्ण भी तो काले थे और राधा तो रूपवती थी, तो क्या उनका प्यार घटा? नहीं ना। जतन की खरी बातें सुनकर मेघा उसकी ओर खींची चली आती है। समय ढलता जाता है और जतन मेघा से शादी करके उसे अपने घर ले आता है। जतन बेटा, मेरी मेघा का ख्याल रखना। मेघा मेरी जिम्मेदारी है माँ जी। आंखों में कई सारे सपने सजा कर मेघा बहू बनकर जैसे ही ससुराल के चौखट पर कदम रखती है, उसकी सास ननद उसे खरी खोटी सुनाने लगती हैं। माँ ये मेघा है आपकी बहू। अरे मेरी निखट्टू औलाद, दुनिया की गोरी चिट्टी लड़कियां हड़ताल पर चली गई थी क्या, जो तूने इस नजर बट्टू को मेरी बहू बना दिया, एकदम जले हुए उपले के जैसे है। हाँ भैया, ऐसा भी कौन सा इश्क का बुखार चढ़ गया था आपको जो आप इतनी काली भाभी ले आए? अरे 2.5 किलो भी मेकअप थोपेंगे ना इनके चेहरे पर तो भी नहीं चमकेंगी ये। हाँ। चौखट पर कदम रखते ही काली बहू को सास और ननद के ताने सुनने पड़ते हैं, और ढलते दिनों के साथ बेचारी काली बहू की जिंदगी बद से बदतर हो जाती है। देखा जतिन, इस काले रंग के कारण सासू माँ श्रुति मुझसे दूर दूर भागते हैं, मेरे कारण तुम्हारे अपने रिश्ते भी बिगड़ रहे हैं, उससे अच्छा तो मैं खुद खाक हो जाऊं। अपनी पत्नी मेघा की हिम्मत को तिल तिल यूं टूटता देखकर जतन उस रात मंदिर में हाथ जोड़कर कहता है, हे भगवान, सात फेरे लेते वक्त मैंने मेघा को वचन दिया था कि उसकी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा, मगर मैंने जैसे उसका हाथ थामकर उसकी जिंदगी में कांटे बो दिए हैं। मेरी मदद कर, मेरी मेघा को सुंदर कर दे ताकि उसका काला रंग किसी को न खटके। ऐसा बोलते हुए जतिन अपने आंसू से भगवान श्री कृष्ण के पांव धो देता है। तभी एक सुनहरी चमक उसके भीतर भर जाती है और वह घर चला आता है। अगली सुबह मेघा शीशे के सामने बैठी बाल सवार रही होती है, तभी जतिन जैसे मेघा को छूता है उसका कालापन गायब हो जाता है और वह सर से पांव तक गोरी चिट्टी हो जाती है, जिसे देखकर मेघा चौंक उठती है। ये कैसे हुआ जतिन, तुम्हारे छूते ही मेरा काला रंग गोरे रंग में कैसे बदल गया? इसका मतलब मैं एक जादुई पति की पत्नी हूँ। मेघा मुझे खुद भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जतिन मेघा से अपनी पिछली रात मंदिर जाने का जिक्र सुनाता है, जिसे जानकर मेघा बोलती है, जतिन मुझे फिर से काला कर दो। अगर मैं जादुई सामर्थ्य से भरा हुआ हूँ तो अभी मेरी पत्नी काली हो जाए। जतिन के कहते ही उसका जादू मेघा पर चल जाता है और मेघा का शक पूरी तरह से पक्का हो जाता है कि उसका पति जादुई है। बदले हुए नए गोरे चिट्टे चेहरे के साथ जैसे ही बहू अपनी सास और ननद के सामने आती है तो उनका मुंह खुला का खुला रह जाता है। अरे बहू, ये तू ही है ना? अरे बाप रे, ये कीचड़ में कमल कैसे खिल गया? तू तो कल तक एकदम कोयला जैसी काली थी, फिर अचानक कटरीना कैफ कैसे बन गई? माँ मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। अरे तुम दोनों माँ बेटी फिर शुरू हो गई। अरे पहले जब मेरी मेघा काली थी तभी तुम्हें आफत थी, और आज गोरी हो गई है तो उसकी खूबसूरती तुम्हें खलने लगी है। हाँ हाँ मेरे लाल, अब जोरू का गुलाम तो बनेगा,
पत्नी हूर की परी जो हो गई है। बहू के सुंदर चेहरे के कारण सास को चुप रहना पड़ता है। ऐसे ही समय बीतता है और फिर एक दिन शारदा और श्रुति आपस में खुसुर पुसुर करती हैं। पता नहीं ऐसा भी कौन सा पारस का पत्थर हाथ लग गया है इस मरजानी मेघा को, जो ये कल मुंह ही कैटरीना बन गई। माँ, मेरे पास एक गोली है जिसे इंसान को अच्छा खासा चेहरा दाग दानों से भर जाता है। अभी हम ये गोली भाभी को इस केसर वाले दूध में मिलाकर देंगे और इसके बाद इस काली बहू को खाज खुजली शुरू हो जाएगी। तब हमें पता चल जाएगा खूबसूरती के पीछे का राज है क्या। काली बहू की खूबसूरती से खाक हुई ननद और सास अपने साजिश को अंजाम देती हैं और श्रुति के कहे मुताबिक असर शुरू हो जाता है। आह आह माँ, पता नहीं अचानक खुजली क्यों हो रही है, जतिन कुछ करो। मेघा, ये करामात माँ और श्रुति की है, वो देखो वो खिड़की पर खड़ी होकर तुम्हें ही देख रही है। अपनी माँ और बहन के जाने के बाद जतिन झट से खिड़की बंद करके मेघा का हाथ थाम कर बोलता है, ए मेरे जादुई शक्ति, इसी पल मेघा के शरीर पर उभरे दाने मिटा दे। जतिन के इतना कहते ही मेघा का शरीर एक सुनहरी रोशनी से भर जाता है और वो पहले के जैसी सुंदर हो जाती है। मगर इतने पर भी जलकुकड़ी सास की खुराफाती कहाँ रुकने वाली थी। वह हर हालत में काली बहू के बदले रूप का राज जानना चाहती थी। फिर एक दिन कोढ़िन उनके चौखट पर आती है। इसके चेहरे पर गहरे घाव थे जिस पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। कोई है, मुझ कोढ़ी पर तरस खाओ। अरे ओ करमजली कोढ़िन, चल भाग मेरी चौखट से, पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। अरे माँ, ये क्या कर रही हैं आप, इस बिचारी की हालत तो देखिए। जतिन, इसकी मदद करो। जतिन आगे बढ़कर उस कोढ़िन औरत की बांह थाम लेता है। बेटा ये तो क्या बेवकूफी कर रहा है, अरे दूर हट उस कोढ़िन से वरना उसका रोग तुझे भी लग जाएगा। ए मेरे अंदर बसी शक्तियों, मैं तुम्हें खोजता हूँ, इसी वक्त ये औरत कोढ़ से छुटकारा पाए। अचानक जतिन के भीतर से निकली एक रोशनी उस कोढ़ी पर पड़ते ही उसका कोढ़ मिट जाता है, जिसे देख शारदा कहती है, इसका मतलब मेरी काली बहू के सुंदर होने की जड़ मेरे बेटे का जादू है। बिल्कुल सही समझा आपने, मगर मेरे अंदर जो जादू आया था वो सिर्फ मेघा के कारण। आप लोग जो उसे दिन रात काला काला कहती थी, इस कारण मेघा ने जीने की ख्वाहिश छोड़ दी और तब मुझसे जादुई पति की शक्ति आ गई। किसी इंसान को इतना भी मत कोसो माँ कि वो जिंदगी से हार जाए। अपने बेटे की कड़वी बातें शारदा की आंखें खोलने के लिए काफी थी। उस पल वह शर्म से पानी पानी होकर खामोश खड़ी थी। बहू मुझे माफ कर दे, मैं बस खूबसूरती के पीछे भागती रही और तुझे तेरे काले रंग को लेकर कोसती रही, मगर भूल गई श्री कृष्ण से लेकर विष्णु और स्वयं शिव भी काले थे। अब तुझे इस जादू के झूठ के साथ जीने की जरूरत नहीं। आखिरकार अंत में सास अपनी काली बहू को उसके असल रंग के साथ स्वीकार कर लेती है। मोहिनी अपने ससुराल से अपने मायके आती है और अपनी माँ को काम करते हुए देखकर कहती है, अरे माँ क्यों इतना काम करती हो, भैया की उम्र हो गई है, उनकी शादी क्यों नहीं करवा देती हो। अरे मैं तो समझा समझा कर पागल हो चुकी हूँ, तू ही अपने बड़े भाई को समझा, वो मेरी बात सुनता ही नहीं है। आने दो, आज की शाम मैं उनकी खबर लेकर ही रहूंगी। अरे बेटी खबर तो तू बाद में ले लेना, पहले मुझे ये खबर बता कि तेरा यहाँ आना कैसे हुआ। मेरा यहाँ आना, दरअसल बात ये है कि, अरे माँ क्या मैं अपने घर पर आ नहीं सकती हूँ। अरे हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल आ सकती है, ये घर तेरा ही तो है, तेरा जब मन करे तू तब यहाँ आ जा। ऐसा कहने के बाद केसरी अपने कामों में लग जाती है। वहीं मोहिनी आराम से सोफे पर लेट जाती है और आराम फरमाने लगती है। शाम को जब कुणाल ऑफिस से आ जाता है वो बहुत ज्यादा थका होता है, जिसे देख कर मोहिनी कहती है, अरे भैया आ गए आप, मुझे आपका ही इंतजार था, देखो तो जरा मेरे बड़े भैया कितने थक गए हैं। क्यों भैया, आपको नहीं लगता कि आपके आने के बाद आपका ख्याल रखने वाली भी कोई होनी चाहिए। अरे पगली तू क्या बात कर रही है, माँ है ना मेरा ख्याल रखने के लिए। ओहो भैया अपना ना सही, कम से कम माँ का तो ख्याल रखो, उनकी हालत तो देखो, घर के काम करते करते क्या हो गई है, फिर मुझे भी एक भाभी चाहिए। अगर तुम सब यही चाहते हो तो मैं तैयार हूँ, मेरी नजर में एक लड़की है और मैं उसे पसंद भी करता हूँ। ये सुनते ही मोहिनी और केसरी बहुत खुश हो जाती है। अच्छा ऐसी बात है भैया, आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले, आपने तो हमें कभी बताया भी नहीं। वैसे ये तो बताओ पैसे वाली है या नहीं। अरे नहीं, वो बहुत गरीब और सीधी सादी लड़की है। अरे भैया अगर ऐसी बात है तो आप मेरी ननद मोनालिका से शादी कर लो, वो बहुत पैसे वाली है, दहेज में खूब सारा सामान लेकर आएगी। नहीं बहन, मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जो जीवन भर मेरा साथ निभा सके,
मैं शादी करूंगा तो केवल आराध्या से ही करूंगा। ऐसा कहकर कुणाल वहां से चला जाता है, जिसके बाद केसरी को ना चाहते हुए भी आराध्या से कुणाल की शादी करवानी पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ मोहिनी भी इस बात से खुश नहीं होती। शादी के कुछ दिनों बाद आराध्या घर की सभी जिम्मेदारियों को अच्छे से संभाल लेती है, लेकिन मोहिनी घर के एक भी काम को हाथ नहीं लगाती और सारे काम आराध्या से ही करवाती है। एक दिन, ओहो मेरे सर में तो बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। अरे आराध्या, तुम यहाँ आराम से बैठी हो, जाओ मेरे लिए कप चाय बनाकर ले आओ। मोहिनी के ये कहने के बाद आराध्या चुपचाप उठकर रसोई में जाकर चाय बनाने लगती है। जब देखो मुझ पर हुक्म चलाती रहती है, इस घर में तो जैसे मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। कभी मैडम को चाय चाहिए होती है तो कभी स्त्री करे हुए कपड़े। आराध्या अपना मन मार कर चाय बनाती है और मोहिनी को दे देती है। ये सब कई दिनों से चल रहा था, जिसके चलते आराध्या बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। एक दिन वो अपनी सास केसरी के कमरे में जाती है और उससे कहती है, माँ जी जब से मेरी शादी हुई है तब से मैं देख रही हूँ कि मोहिनी यहीं पर रहती है। देखिए मुझे गलत मत समझिएगा, दरअसल आपने कुछ ज्यादा ही ढील दी है अपनी बेटी के ऊपर। केसरी कुछ कह पाती इससे पहले वहाँ मोहिनी ये सब सुनकर कमरे में आ जाती है। अच्छा तो मेरे पीठ पीछे मेरी बुराइयाँ चल रही हैं। देखो माँ, मैं कहती थी ना कि आराध्या मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, अब तो आपको मेरी बात का यकीन हो गया ना। नहीं मोहिनी, तुम गलत समझ रही हो, मैं तो बस ये कह रही थी कि। अरे हाँ हाँ बस करो, अब और सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें अच्छे से जान गई, अगर तुम्हें इतनी ही बुरी लगती हूँ मैं तो आज ही अपने ससुराल जा रही हूँ। अरे बेटी ये तू कैसी बातें कर रही है, तुझे इस घर से जाने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर इस घर से कोई जाएगा तो आराध्या जाएगी। केसरी आराध्या के मना करने के बाद भी उसे उसके मायके भेज देती है, जिसके बाद मोहिनी अपने मायके में आराम फरमाने लगती है। लेकिन आराध्या अपने मायके जाने के बाद भी घर के सारे काम करती है और अपने माता पिता की सेवा भी करती है। अरे बेटी ऐसी कौन सी बात हो गई जो अचानक से तुझे घर वापस आना पड़ा। कुछ नहीं माँ, आपकी और पिताजी की बहुत याद आ रही थी तो सोचा क्यों ना मैं आप दोनों की सेवा करने के लिए घर पर लौट आऊं। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटी, लेकिन समय से अपने ससुराल लौट जाना, क्योंकि एक तरफ पड़ी हुई रोटी भी तवे के ऊपर जल जाती है, उसी प्रकार एक बेटी का भी वही हाल होता है। आराध्या अपनी माँ की कही हुई बात को समझ तो जाती है, लेकिन अपने मन ही मन सोचती है, अरे मेरे ससुराल में तो मेरी नंद कुंडली मार कर बैठी है, ऊपर से वह इतनी अमीर है कि उसके आगे किसी की चलती ही नहीं। क्या हुआ बेटी, तू किस सोच में पड़ गई? कुछ नहीं माँ, चाय का समय हो गया है, मैं आप लोगों के लिए अभी चाय बनाकर लाती हूँ। आराध्या ऐसा कहकर रसोई में जाकर चाय बनाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ मोहिनी सोफे पर बैठी हुई अपनी माँ से कहती है, अरे माँ क्या सारा दिन टीवी पर देखती रहती हो, जाओ जरा दो कप चाय बनाकर ले आओ। मोहिनी की बात सुनकर केसरी रसोई में चली जाती है और चाय बनाते हुए खुद से कहती है, मेरी अमीर बेटी के तो तेवर बढ़ते ही जा रहे हैं, अब मैं इसका क्या करूं? अगर इसे इसके ससुराल भेज दिया तो हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा, ऊपर से राशन भी खत्म हो गया है। केसरी ऐसा सोचकर चाय बनाने के बाद मोहिनी को चाय देते हुए कहती है, अरे बेटी मोहिनी जरा तुझसे कुछ बात करनी थी। दरअसल बेटी घर में राशन खत्म हो गया है और मेरे पास पैसे भी नहीं बचे हैं। अच्छा ऐसी बात है, कोई बात नहीं, मैं आपको राशन डलवाने के लिए पैसे दे देती हूँ। मोहिनी अपने सारे पैसे केसरी को दे देती है, अब उसके पास एक रुपया भी नहीं बचता, जिसके चलते थोड़े दिन बाद केसरी अपनी बेटी को सुनाना शुरू कर देती है। जब देखो सारा दिन सोफे पर लेटी रहती है या फिर अपने खाने की फरमाइश करती रहती है। अरे मेरा घर है ना कि कोई धर्मशाला, शादी के 2 महीने बाद से ही घर पर कब्जा कर रखा है। ये सब अपनी माँ के मुँह से सुनने के बाद मोहिनी को बहुत दुख होता है। आपकी चिंता की खातिर मैं अपना ससुराल छोड़कर मायके आई थी और आप मुझे ऐसी बातें सुना रही हो, क्योंकि अब मेरे पास पैसे नहीं बचे, इससे अच्छा रहता कि मैं यहाँ पर आती ही नहीं। मोहिनी रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद मोहिनी आराध्या को कॉल करती है। अरे अब इसको क्या हो गया, ये मुझे मेरे मायके में भी नहीं रहने दे रही। आराध्या फोन उठाती है, हेलो भाभी। अरे क्या बात है, आज तो तुमने मुझे मेरे नाम आराध्या से नहीं बुलाया। भाभी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आप वापस लौट आओ, मैं यहाँ से अपने ससुराल वापस जा रही हूँ। मुझे ये बात समझ आ गई है कि शादी के बाद ससुराल ही बेटी का घर होता है, और मैं अपनी माँ और अपने भाई के लिए अपना ससुराल छोड़कर यहाँ बैठी थी। अरे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, इतना ही काफी है। अगले ही दिन आराध्या अपना बैग लेकर वापस अपने ससुराल आ जाती है। उसके आने के बाद केसरी उसके साथ अच्छे से बर्ताव करती है।
वहीं दूसरी तरफ मोहिनी अपना बैग लेकर अपने ससुराल वापस लौट जाती है और अपने ससुराल में सबके साथ खुशी खुशी रहने लगती है।